अलीगढ़ जिले का धर्म समाज महाविद्यालय दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर भी महाविद्यालय में प्राचार्य पद को लेकर विगत दिनों से जंग छिड़ी हुई थी। आयोग से चयनित होकर आए प्राचार्य राजकुमार वर्मा का मैनेजमेंट से किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद मैनेजमेंट की सर्व समिति से प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जो विगत दिनों तक सुर्खियों में रहा। इसके बाद प्राचार्य ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को अवगत कराया। कुलपति द्वारा जांच समिति बनाकर जांच कराई गई तो प्राचार्य राजकुमार वर्मा दोष मुक्त पाए गए। कुलपति ने प्राचार्य को बहाल करते हुए शीघ्र पदभार ग्रहण करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद आला अधिकारी और पुलिस की मदद से प्राचार्य राजकुमार वर्मा ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन पुलिस के चलते विरोध के बीच पदभार ग्रहण हो सका। ये डीएस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद को लेकर के विवाद था और जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आ जाना पड़ा है। चूँकि वाइस चांसलर द्वारा राजकुमार वर्मा जो पूर्व प्रधानाचार्य थे उनको बहाल कर दिया गया है, तो उस आदेश की कंप्लायंस में आज उनको चार्ज दिला दिया गया है। क्या सूचना मिली थी आपको यहाँ? मुझे एडीएम सिटी द्वारा बताया गया था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो रही है और प्रधानाचार्य के पद को लेकर के विवाद हो रहा है, तो मैं सीओ सेकंड के साथ यहाँ कॉलेज में आया हूँ और जो विवाद था उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल किया गया। दोनों पक्षों को साथ बैठ कर के वार्ता की गई और उनको बताया गया कि जो भी विधि सम्मत आदेश है उसका अनुपालन हमारे द्वारा करा दिया गया। ताला भी लगा दिया था क्या ऑफिस से? देखिए, ऑफिस में तो जब कॉलेज बंद होगा तब ताला बंद होता ही है। जब हम लोग आए तो हमने कहा तो उन्होंने अपने आप ही उसका ताला खोल दिया। जी, और क्या इसकी वजह रही कि कंट्रोवर्सी ये थी कि महाविद्यालय में मैं आयोग से चयनित होकर गत वर्ष 15 नवंबर को यहाँ पर प्राचार्य का पद ग्रहण किया था। उसके बाद कुछ समस्या मैनेजमेंट के साथ हुई और उसमें निलंबन और उसके बाद बर्खास्त का भी आदेश, जो कि पूर्णतया गलत था। मेरे ऊपर लगाए गए सारे चार्ज आरोप निराधार थे। वीसी साहब ने उन आरोपों का खंडन किया। प्राचार्य पद पर रहते हुए अब मुझे एक साल से अधिक का समय हो गया है और मैं निश्चित रूप से इस महाविद्यालय में छात्र हित और संस्था हित के लिए कार्य करूँगा और भविष्य में किसी प्रकार का इस महाविद्यालय में अगर कोई भी इस महाविद्यालय को क्षति पहुंचाने का कार्य करेगा, मैं उच्चाधिकारियों को निश्चित रूप से बताऊंगा और शायद उच्चाधिकारियों को बताने के कारण ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि धीरे धीरे महाविद्यालय में अच्छा वातावरण, एक शैक्षिक वातावरण पैदा होगा। परीक्षा बहुत सन्निकट है, हमारा मेन अभी ध्यान परीक्षा की तरफ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1 दिसंबर से प्रस्तावित है। परीक्षा का कार्य कराना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कल से बीएड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो रही है। सर, भ्रष्टाचार को लेकर आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, भ्रष्टाचार को लेकर ही, क्योंकि अभी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन गलत है और कौन सही है। नहीं, तालमेल कैसे बैठाएंगे मैनेजमेंट से, जिसमें आपके तालमेल निश्चित रूप से बैठाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि विवाद हमेशा नहीं रहता है, विवाद में कोई भी कार्य नहीं करता है और ना ही मेरा कभी ऐसा मनसा है कि मैं। सर, सवाल ये है कि आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते थे, जिसके शिकार? हाँ जी, भ्रष्टाचार रोकना है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार, यहाँ आपके इस पर कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन मैं कभी भी किसी भी गलत काम को ना तो करूँगा और अपने इस पद पर रहते किसी को गलत काम करने भी नहीं दूंगा। इसी मनसा के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं धर्म समाज महाविद्यालय, जो कि जनपद का एक काफ़ी सबसे बड़ा विद्यालय है, ये महाविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप का एहसास हो रहा था, इस वजह से फोर्स बुलाई आपने, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया? नहीं, आदेश के बाद बेसिकली एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का हमने पालन किया है, क्योंकि मैं सैटरडे को ही आया था, शाम को तो ताला बंद था और मुझे पता चला कि इस तरह से आपको चार्ज आसानी से नहीं मिल सकता। सब पर पुलिस को आपने सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना दी। सर, डीएम साहब के प्रचार कार्यकाल में आपके किस तरीके के भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचार पर अभी बहुत ज़्यादा बात करना मेरे लिए।